नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। बात बात पर मुसलमानों को लेकर भारत को कोसने वाले इमरान खान अपने सदाबहार दोस्त चीन की हरकतों पर मौन रहते हैं। आए दिन तानाशाही चलाने वाली जिनपिंग सरकार किस तरह से मुसलमानों पर जुर्म ढाती है, उसके सबूत एक के बाद एक सामने आते रहते हैं। जहां कोई भी मुसलमान ना तो लंबी दाढ़ी रख सकता है और ना ही मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहन सकती हैं। यहां तक कि चीन में कुरान और नमाज की चटाई रखने पर भी बैन लगा हुआ है। खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाले इमरान खान इस मामले पर आवाज उठाने की बात तो छोड़िए, एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दोषी साबित करने की कोशिश में इमरान खान कोई कसर नहीं छोड़ती। दरअसल चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करके उनका अस्तित्व मिटाने का सिलसिला कोरोना महामारी में भी जारी है। अब चीन से उइगर मुसलमानों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की एक मस्जिद को ढाने के बाद अब उस जगह पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी प्रशासन की तरफ से आतुश के शुगांग गांव में 2016 के दौरान दो मस्जिदों को गिरा दिया गया था और अब उनकी जगह सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है, जिसे चीन की ओर से मस्जिद सुधार का नाम दिया गया है। सुंगांग से उइगर नेवरहुड कमेटी के चीफ ने रेडियो फ्री एशिया को बताया कि टोकुल मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, इसके बाद इस जगह पर चीनों ने शौचालय बनवा दिया है। सार्वजनिक शौचालय है, उन्होंने अभी इसे खोला नहीं है, लेकिन ये निर्मित हो चुका है। जब उनसे पूछा गया क्या वहां लोगों को सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बताया कि लोगों के घरों में शौचालय बने हुए हैं, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि उस जगह कोई पर्यटक भी नहीं आ जाते। चीन ने केवल ध्वस्त किए गए टोकुल मस्जिद के खंडहर को छिपाने के लिए और वहां निरीक्षण के लिए जाने वाले समूह के लिए टॉयलेट बनवा दिया है। एक अन्य स्थानीय निवासी ने रेडियो फ्री एशिया को बताया कि वहां दो अन्य मस्जिदें थीं जिन्हें 2019 में गिरा दिया गया और उनकी जगह पर अब एक दुकान खोली गई है जिसमें शराब और सिगरेट मिलती है, जिनका सेवन करना इस्लाम में हराम माना जाता है। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मस्जिद सुधार अभियान के तहत प्रांत की 70% मस्जिदें ढा दी गई हैं। इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा को कारण बताया गया है, लेकिन चीन को जमीन और जमीर दोनों गिरवी रख चुके इमरान खान एक बार भी इसे मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं बताते हैं। वैसे भी चीन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसके नागरिक पाकिस्तानी सेना को भी पीट देते हैं, फिर भी इमरान खान मौन रहते हैं। बता दें कि चीन में मुस्लिमों पर अत्याचार का सिलसिला काफी समय से चल रहा है। उनके खिलाफ, उनकी संस्कृति के खिलाफ चीनी अधिकारी उनको आए दिन यातनाएं देते हैं। कभी खबर आती है कि वहां पर उइगर मुस्लिम महिलाओं का रेप और गर्भपात धड़ल्ले से हो रहा है, तो कभी ये पता चलता है कि वहां घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जा रहा है। अभी पिछले दिनों रोजे के बीच ये खबर आई थी कि चीन ने रमजान में रोजा रखने को भी अतिवाद का चेहरा बता दिया है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि चीनी सरकार मुस्लिम आबादी पर अंकुश लगाने के लिए जबरन नसबंदी और गर्भपात करा रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन मुस्लिमों की आबादी को सीमित करने के लिए मानव अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रहा है। इसके लिए लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें जबरन निरोध केंद्र भेजा जा रहा है। शिनजियांग प्रांत में 2015 से 2018 तक उइगरों की जन्म दर में 84% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है और 2019 में इससे भी ज्यादा गिरावट आई है। चीन में एक बच्चे की नीति को छोड़ दिया है, लेकिन उइगर के लिए ये अब भी लागू है और चीनी सरकार हर तरह से उइगर मुसलमानों पर अपनी तानाशाही चला रही है, जिस पर खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।